हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सरूप क्लासेस PCMB। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा इक्वलेट डिवीजन लेमा पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस। तो आइए जानते हैं कि वो क्या एप्लीकेशंस हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। एप्लीकेशन वन, यूजिंग Euclid's division lemma, show that every positive even integer is of the form 2m and every odd positive integer is of the form 2m plus 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, हमें इक्विलेट डिवीजन लेमा के थ्रू ये प्रूफ करना है कि जो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 2m प्लस 1 फॉर्म के होते हैं, और इवन पॉजिटिव इंटीजर हमारे 2m फॉर्म के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया बच्चों कि ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ डिवाइड ए बाय 2 एंड सपोज, जब बच्चों 2 से हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। तो याद रहे, जब भी डिवाइड करेंगे तो सपोज कर लेंगे, सपोज m बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। तो अगर हमने ये मान लिया कि जब हमने a को 2 से डिवाइड किया तो m हमारा क्वोशेंट आ रहा है बच्चों, और r हमारा आ रहा है रिमाइंडर। तो अब देखिए, जब हमने इतना सेट कर लिया तो अब इक्विलेट डिवीजन लेमा की कंडीशन अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो ए हो जाएगा बच्चों वो 2 इंटू डिवाइसर प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविडेंड है इस केस में, वो 2 इंटू डिवाइसर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, और जो कि r है बच्चों, r कन्फाइन हो जाएगा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, बट डिवाइसर से छोटा, और यहां पर डिवाइसर है बच्चों 2। नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 0, दो तरीके की वैल्यूज r बच्चों ले सकता है, जो कि है 0 और एक है 1। तो देखिए, इफ r बराबर 0 देन a इज इक्वल्स टू 2m, तो a कैसा हो जाएगा बच्चों? 2m हो जाएगा। नाउ अगर a 2m हो गया, देन इन दिस केस a इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बच्चों, m को हम, मैं बता देता हूं कि m क्या है। m इज अ होल नंबर। देखिए, अगर हमने r को रख लिया 0
तो a बराबर हो जाएगा 2m फॉर्म में, और m को आप अगर डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं होल नंबर की तो a हमें डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इवन नंबर मिलेगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल सकते हैं हम। तो देखिए a बराबर 2m, तो m की जगह पर अगर हम कुछ भी नंबर रखते जाएं होल नंबर तो a जो है हमें इवन इंटीजर ही रिसीव होंगे। तो क्लियर है कि a जो है 2m फॉर्म के, इन दिस केस a इज इवन, a जो है इवन है। नाउ इफ r इज इक्वल्स टू 1, दो ही वैल्यूज ले सकता है इस केस के बीच में, दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 और 1। एक हमने 0 का फाइंड आउट कर लिया, अदर इज 1, तो 1 का भी देख लेते हैं। अगर r बच्चों 1 हो जाएगा देन a इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1। r की जगह पर एक बार 0 रखा तो केवल 2m हो गया, एक बार r की जगह बच्चों 1 रख दिया तो 2m प्लस 1 हो गया, ये आ गया। अब इन दिस केस a इज इवन, सॉरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ओके, ऑल्सो m इज होल नंबर, या हम बोल सकते हैं m इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं हम, ओके बच्चों नोट कर लीजिए। यही हमें प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है जो 2m का होगा तो वो इवन अगर होगा तो वो 2m फॉर्म का होगा, और अगर 2m प्लस 1 फॉर्म का होगा तो वो ऑड होगा, और बाय द हेल्प ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमा, क्योंकि इक्विलेट डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं हम लोग, ओके नोट कर लीजिए। अब एक और हम लोग लगाएंगे, शो दैट यूजिंग Euclid division lemma, every positive, show that using Euclid division lemma, every positive integer is of the form 3m, 3m plus 1, 3m plus 2। तो देखिए अब हमें बच्चों इक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो 3m फॉर्म का होगा, या 3m plus 1 फॉर्म का होगा, या फिर 3m plus 2 फॉर्म का होगा। तो आइए देख लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बच्चों हमने मान लिया कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पर 2 की फॉर्म में लाना था, यहां पे 2m और 2m plus 1, तो यहां से हम एक क्लू ले सकते हैं कि जो 2 है वो हमारा डिवाइसर है। यहां पर जो हमें प्रूफ करना है वो 3, 3, 3, तो यहां पर जो डिवाइसर रखना है तो एक क्लू मिल रहा है कि हमें जो है 3 उसका डिवाइसर होना चाहिए। तो देखते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, नाउ डिवाइड a by 3, let, अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर भी मिलेंगे, तो let m be the क्वोशेंट and r be the रिमाइंडर। अब अगर ये हो गया है, अब अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग Euclid division lemma, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। तो देखिए अप्लाइंग Euclid division lemma, तो a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों 3m plus r फॉर्म में, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइसर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इसका बच्चों 0 से बड़ा या बराबर, और छोटा किससे, छोटा होगा डिवाइसर से, और डिवाइसर है 3, हमको पता है डिवाइड a by 3। अब नाउ इफ, अब r यहां पर बच्चों जो इसके बीच में जो होल नंबर्स हैं वो कौन कौन से, r एक वैल्यू ले सकता है 0, एक 1, एक 2, 3 नहीं ले सकता क्योंकि 3 से तो छोटा होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए नाउ इफ r बराबर 0 तो a बराबर 3m प्लस 0,
तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3m फॉर्म का हो गया। इफ r बराबर 1, अगर r बच्चों 1 ले लेता है वैल्यू, तो a बराबर 3m प्लस 1, ये r ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, r को 1 रख करके इसमें r की जगह पर 0 रखेंगे तो बचा ओनली 3m, अगर 1 रख दिया तो हो गया 3m प्लस 1, और अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3m प्लस 2। इफ r बराबर 2 देन a बराबर 3m प्लस 2। तो ये वो तरीका है जिससे हम बोल रहे हैं कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो या तो 3m फॉर्म का होगा, 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा, या फिर 3m प्लस 2 फॉर्म का होगा। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट एक लिख देते हैं, हेंस वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इन तीन में से एक फॉर्म का होगा बच्चों। और याद रहे जो m होता है हमारा इस केस में, m इज पॉजिटिव इंटीजर, और वी कैन से दैट m इज अ होल नंबर। यहाँ पर भी बच्चों m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए मैं कुछ आपको ऐसा बताता हूँ जिससे कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हमने ले लेते हैं 10 तक पॉजिटिव इंटीजर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है 1 से लेकर के 10 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स में जो कि इनमें से कोई फॉर्म का ना आए या कोई अलग ही फॉर्म का आ जाए। तो देख लेते हैं, आइए देखिए ये जो फॉर्म है ये अभी आपको समझ आ जाएगा, 3 × 3 के ही फॉर्म में लिखना है, 3 के ही मल्टीपल में लिखना है, क्योंकि हम जो डिवाइड कर रहे हैं बच्चों वो क्लियर है कि 3 है। तो ठीक है, 3 × 0 + 1, तो कौन सी फॉर्म हुई बच्चों, ये वाली फॉर्म हुई ना 3m + 1, क्योंकि 3 × m + 1 किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमने। अब 2 वाला है ना, तो 2 वाले को हम किस फॉर्म में लिख देंगे, 3 × 0 + 2, तो ये वाला कौन सा फॉर्म हुआ बच्चों, ये वाला फॉर्म हुआ 3m + 2। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1, 3 × 3 प्लस कौन सा करेंगे, 0 प्लस करेंगे क्योंकि 3 तो हमें मिल गया है। तो अभी देखिए ये कौन सी फॉर्म बनी, ये खाली 3m फॉर्म है। अब देखिए आगे अब हम जब सॉल्व करेंगे तो सब के सब रिपीट करेंगे, देखिए 3 × 1 + 1, 3 × 3 + 1, 4, 3 × 3 + 2, 3m + 2 फॉर्म, 6, 3 × 2, 3m फॉर्म, 3 × 2, 6 + 1, 7, 3m + 1 फॉर्म। अब ये हो गया बच्चों 3 × 2 + 2, ये हो गया बच्चों 3m + 2 फॉर्म का। ये देख लेते हैं 3 × 3 यानी कि 3m फॉर्म हो गई, और ये वाली 3 × 3 + 1 यानी कि 3m + 1 फॉर्म। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स के, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि 3m, 3m + 1 और 3m + 2 के अलावा कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जिसमें ये नंबर्स एक्सप्रेस किए जा सकते हों। और आप चाहें तो 100 तक कर सकते हैं, उसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इनके अलावा कोई और फॉर्म नहीं मिलने वाली। तो नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम जो भी ये नंबर्स हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों, वो 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 फॉर्म के होते हैं। तो आइए देखते हैं, सब सिमिलर ही है, जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया वैसे ही ये भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर,
फिर जब पॉजिटिव इंटीजर है तो डिवाइड उससे करेंगे जिससे कि हमें लग रहा हो, थोड़ा सा क्ल्यू मिल रहा हो कि हाँ भाई ये इस फॉर्म का है, तो 3 इसका डिवाइसर होगा। अभी हमें क्या है कि 4 से है, 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, तो 4 हमें क्ल्यू मिल रहा है कि 4 यहाँ पर डिवाइसर रहने वाला है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर कोशेंट और रिमाइंडर भी मिलेंगे, इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे और फिर आर को बारी बारी से वो पुट कर देंगे जो कि वो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। बस यहां पर वो फॉर्म्स निकल करके आ जाएंगी, तो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। शो दैट यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लेमा एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। नाउ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारा ए, नाउ डिवाइड करा दीजिए ए को बाय 4, ओके, डिवाइड ए बाय 4। लेट एम बी द कोशेंट एंड आर इज द रिमाइंडर। फिर क्या करना है बच्चों, फिर हमें लिखना है कि अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन लेमा, इक्विलेट डिवीजन लेमा को अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन लेमा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा इक्विलेट डिवीजन लेमा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये ईडीएल क्या है, जस्ट इक्विलेट डिवीजन लेमा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो देखिए अगर ए है विच इज डिविडेंड, तो इज इक्वल्स टू डिवाइसर इन टू कोशेंट, कोशेंट इज एम प्लस रिमाइंडर इज आर। अब आर को हमें कुछ कन्फाइन करना होता है, वो हो सकता है 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और छोटा किससे, डिवाइसर से, जो कि डिवाइसर है बच्चों 4। अब देखिए यहाँ पर आर वैल्यूज ले सकता है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 नहीं लेगा क्योंकि 4 से लेस होना चाहिए आर। तो ओके, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन ए बराबर 4m। ये वैल्यूज जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं बच्चों आर की, जो वैल्यूज ये ले सकता है, वो हम इस कंडीशन में बारी बारी से पुट करा देते हैं। तो आर बराबर अगर 0 है तो ए बराबर 4m, इफ आर बराबर 1 है तो ए बराबर 4m प्लस 1, इफ आर बराबर 2 है देन ए बराबर 4m प्लस 2, इफ r बराबर 3 है तो a बराबर 4m प्लस 3, और हेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो नोट कर लिया जाए बच्चों m पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर वी कैन से दैट any positive integer is of the form 4m, 4m plus 1, 4m plus 2 and finally 4m plus 3। इनमें से कोई एक ही फॉर्म का होगा अगर ऐसा रहता है तो। अब देखिए इस चीज को और मैं समझा देता हूं वैसे ही कुछ नंबर्स ले करके। तो हम ले लेते हैं अब की बार 11 से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए कि ये बात सच होगी कि नहीं, कुछ हमने इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। आप चाहे तो कुछ और ले सकते हैं, लेकिन आप ये केयरफुली देखिएगा कि इनमें से कोई भी फॉर्म अलग नहीं आएगी, इन्हीं में से कोई फॉर्म आएगी, लेकिन डिवाइसर रहना चाहिए 4, इस केस में है तो डिवाइसर रहना चाहिए बच्चों 3। तो आइए देखते हैं 11 को बच्चों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 4 इंटू 2, 4 टू 8 प्लस 3, 4 इंटू 3, 4 थ्री 12, 4 थ्री 12 प्लस 1, 4 थ्री 12 प्लस 2, 4 थ्री 12 प्लस 3, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1, 4 4 16 प्लस 2, 4 4 16 प्लस 3, नाउ 4 इंटू 5, 4 5 20। अब आप देख लीजिए कि जो फॉर्म है बच्चे ये कौन सी बन रही है,
फोर इंटू एम प्लस थ्री, ये जो फॉर्म बन रही है बच्चों, ये कौन सी बन रही है, ये बन रही है 4m फॉर्म, ये बन रही है 4m प्लस वन, ये बन रही है 4m प्लस टू, ये बन रही है 4m प्लस थ्री, ये बन रही है बच्चों 4m फॉर्म, ये है 4m प्लस वन, 4m प्लस टू, ये है 4m प्लस थ्री, 4m फॉर्म। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 4m, 4m प्लस वन, 4m प्लस टू, 4m प्लस थ्री फॉर्म का हो सकता है। अब इसमें अंतर यह है कि अभी आपको, आप इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर बताया कि 3m, 3m प्लस वन, 3m प्लस टू ही फॉर्म का हो सकता है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि SS फॉर्म का हो सकता है। तो देखिए बच्चों, अंतर यह है कि उस कंडीशन में डिवाइसर हमारा 3 था, तो अगर हम 3 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो फॉर्म वो होगी, और अगर हम 4 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 4 डिवाइसर ले रहे हैं तो फॉर्म यही आएंगी। ओके बच्चों, देखते हैं हम अपना एक और एप्लीकेशन इक्विलेट डिवीजन लेमा पे बेस्ड। तो आइए, यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लेमा शो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। पिछले कुछ सवालों से ये थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। पिछले एप्लीकेशंस में हम स्क्वायर की बात नहीं कर रहे थे, हम क्यूब की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इस केस में हमसे कहा जा रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तब उसकी फॉर्म 3m होगी या फिर 3m प्लस 1 होगी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कि ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ डिवाइड ए बाय, नाउ डिवाइड ए बाय थ्री एंड लेट क्यू बी द क्वोशेंट, क्यू बी द क्वोशेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। तो R हो गया बच्चों रिमाइंडर, बाय अप्लाइंग इक्विलेट डिवीजन लेमा, इक्विलेट डिवीजन लेमा हम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर डिविडेंड है A और डिवाइसर है 3, क्वोशेंट है बच्चों Q और रिमाइंडर है R। तो अगर इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये R को हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी कि 0 से बड़ा और डिवाइसर से छोटा, डिवाइसर इज 3। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आती बात कि ऐसा हो जाएगा। देखिए नाउ इफ R दो तीन तरीके की वैल्यू ले सकता है, एक 0, 1, 2, तो तीन वैल्यूज ले सकता है। जैसे इफ R बराबर 0 तो A बराबर 3q फॉर्म का हो जाएगा। ओके, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके का हो सकता है। नाउ इफ r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1 फॉर्म का हो सकता है, और अगर r बराबर 2 हो जाए तो a बराबर 3q प्लस 1 फॉर्म का हो सकता है। तो अब देखिए, हमने अभी स्क्वायर की बात नहीं करी है, हमने सिर्फ ये कहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर 3q का हो सकता है फॉर्म का, 3q प्लस 1 फॉर्म का हो सकता है, या फिर 3q प्लस, सॉरी 2, यहाँ पर 2, 3q प्लस 2 फॉर्म का हो सकता है। तो ये तीन तरीके हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐसे ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर From above, we can say that
एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1, 3q+2। तो ये वो तीन फॉर्म्स हैं बच्चों जिसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा जा सकता है। लेकिन अभी हमें इन पॉजिटिव इंटीजर से तो मतलब है ही, हमें साथ ही साथ अभी स्क्वायर और करना है, स्क्वायर देखना है कि स्क्वायर किस फॉर्म का हो सकता है। तो अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। तो आइए आगे देखते हैं। Now, if positive integer is of the form 3q, अगर हमारा वो positive integer 3q form का हुआ बच्चों, तो a बराबर 3q form का, तो उसका square क्या होगा? Then a square हो जाएगा बच्चों 9 क्यू स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिए बच्चों क्योंकि हमें स्क्वायर का पता लगाना है, तो 9 क्यू स्क्वायर, वेयर 9 में से 3 क्यू स्क्वायर को मान लीजिए m, 3 क्यू स्क्वायर कॉमन, तो a स्क्वायर बराबर 3 × 3 क्यू स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं कैसा, ए स्क्वायर बराबर 3m। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि स्क्वायर क्या इस तरीके के पॉजिटिव इंटीजर का, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3m मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीजर, अगर इस तरीके के पॉजिटिव इंटीजर्स का, अगर हम इस फॉर्म के पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो वो 3m फॉर्म के निकलेंगे। अब देखिए, इफ पॉजिटिव इंटीजर is of the form, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का है बच्चों, ऑफ द फॉर्म a बराबर 3q+1, ये वाली फॉर्म चल रही है बच्चों, तो देन a स्क्वायर बराबर, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा, ये 3q+1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब नीचे कर लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q² + 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर बराबर 9q² + 1 + 2 × 3 = 6q। तो ठीक है, ए स्क्वायर हमको मिल जाता है 9q² + 6q + 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 3 इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से, तो 3q² + 2q + 1। तो देखिए हेयर, या लेट कर लीजिए, लेट 3q² + 2q हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो कि हमने मान लिया m, तो ए स्क्वायर बराबर 3m+1। तो क्लियर है ये बात कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हम ऐसा ले लेते हैं जो 3q प्लस फॉर्म के होंगे, या जितने भी कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं 3q प्लस फॉर्म का, उनका अगर हम स्क्वायर करें बच्चों, तो वो किस फॉर्म का आएगा, 3m+1 फॉर्म का ही आएगा। एक आखिरी फॉर्म और रह गई है जिसमें हमें बताना है 3q+2 के बारे में, तो आइए इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा रद्द करना पड़ेगा। तो देखिए, नाउ इफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q+2 of the form a बराबर 3q+2, अगर कोई फॉर्म हमारी बच्चों 3q+2 फॉर्म का नंबर्स हैं जितने भी हैं, तो देखते हैं उनका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म का निकलेगा। तो आइए, देन
ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 3q इंटू 2। देखिए बच्चों ए स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 2 12 प्लस 12q लिखेंगे हम इसे और 4 लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, या जो एप्लीकेशन था वो ये था बच्चों, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। यानी कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाए 3m प्लस 1 में या फिर 3m फॉर्म में। तो आइए देख लेते हैं। ए स्क्वायर 9q स्क्वायर 12q, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो इतने में से हम 3 को ले लेंगे बच्चों कॉमन, तो ए स्क्वायर है यहाँ पर हो गया 3 q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो क्लियर है कि ए स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं इतने की जगह पर 3m प्लस 1, और यहाँ पर डिनोट भी कर दीजिएगा वेयर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, इस 4 को बच्चों हमने 3 प्लस 1 में लिख दिया, और बचे वाले में से क्योंकि सब में 3 कॉमन आ रहा था तो इस तरीके से ये आ गया, और ये जो फॉर्म बनी ये क्या बनी जा करके 3m प्लस 1 फॉर्म बनी। तो हेंस क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हेंस वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव, या एवरी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। अब देखिए बच्चों इस चीज़ को कुछ नंबर्स के ज़रिए भी मैं समझा देता हूँ तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सपोज हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर्स ले लिए, मान लिए कि ये हमारे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए हमें इनके बारे में नहीं पता करना है, हमें इनके स्क्वायर को जज करना है कि ये इनके स्क्वायर किस फॉर्म के आते हैं। तो आइए सबके स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 64, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। तो अब इन नंबर्स को हमें जज करना है कि क्या ये नंबर्स इस फॉर्म के या इस फॉर्म के होते हैं या नहीं, या कोई अलग ही फॉर्म के हो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो देख लेते हैं, ऐसा खैर नहीं होने वाला। तो देखिए 1 को हम बच्चों लिख सकते हैं 3 × 0 + 1, तो ये फॉर्म हुई बच्चों 3m प्लस 1 फॉर्म की। तो क्लियर है कि 3m प्लस 1 फॉर्म ठीक पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वाला फॉर्म क्या होगा, 3 × 1, 3 × 1 = 3 और प्लस 1, तो ये भी फॉर्म हुई बच्चों 3m प्लस 1 फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म हुई, 9, 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9, तो ये फॉर्म हुई बच्चों 3m, ओके 3m फॉर्म, बिकॉज 3, 3, 1 तो आ ही नहीं रहा है इसलिए 3m फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, 3, 5 = 15 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये फॉर्म बन गई 3m प्लस 1 फॉर्म। 25 में 3, 8 = 24 प्लस 1 25, तो ये भी फॉर्म हो गई बच्चों 3m प्लस 1 फॉर्म। अब 36 को 3, 12 = 36, तो ये फॉर्म हो गई बच्चों 3m फॉर्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3m प्लस 1, 3m के अलावा कोई और फॉर्म नहीं आएगी। आप जो सा नंबर लेना चाहें आप ले लीजिए, देन आप उसका स्क्वायर कर दीजिए बच्चों,
और आप कैलकुलेट कर करके अगर देखेंगे, अगर आप किसी फॉर्म में उसको बनाना चाहेंगे तो वो या तो इस फॉर्म का निकलेगा या फिर इस फॉर्म का निकलेगा। हाँ, आप उसमें डिवाइसर 3 रखिएगा, कंडीशन ये है कि डिवाइसर 3 रखिएगा, 3 से डिवाइड करके निकालेगा तो वो 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म के आएंगे ही आएंगे। ये नहीं कि इसको जो है यहाँ पर 4 इंटू करके रखें, तो वैसा मत करिएगा, सीधा सीधा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब बात ये है बच्चों कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इसको हम क्यों यूज़ करें। देखिए, क्योंकि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट हैं, तो हम थोड़े बहुत नंबर्स तो हम बता सकते हैं कि ये 3m प्लस 1 और 3m फॉर्म का होगा, बट हम इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स के लिए हम कैसे प्रूफ कर दें कि ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो उसके लिए बनाया गया है इक्विलेट डिवीजन लेमा, तो तभी इक्विलेट डिवीजन लेमा ही इसको प्रूफ करने में हेल्पफुल है।